दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। कोरोना वायरस की वजह से भारत के हालात लगातार बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं और पिछले 3-4 महीने से भारत में क्रिकेट का कोई भी मुकाबला नहीं खेला गया है और जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उनके हिसाब से बताया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट की दोबारा से शुरुआत IPL 2020 के साथ ही होने वाली है। लेकिन IPL 2020 को लेकर BCCI की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। जी हां, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जब 17 जून को भारत और चाइना के सैनिक बॉर्डर पर आमने सामने हुए थे तब से लेकर अभी तक भारत में लगातार चाइनीज प्रोडक्ट्स और कंपनीज का बहिष्कार किया जा रहा है और ऐसे में फिलहाल BCCI के ऊपर भी IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर बदलने के लिए लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस तारीख को IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर बदलने पर BCCI और IPL काउंटिंग काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और वो कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो वीवो के बाद IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर का टैग हासिल कर सकती है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और यदि आप भी कर रहे हैं IPL 2020 का बेसब्री से इंतजार तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि साल 2018 में वीवो ने IPL का टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए BCCI को 2199 करोड़ रुपए दिए थे और 5 साल के लिए IPL टाइटल के राइट्स यहां पर वीवो कंपनी ने खरीद लिए थे। लेकिन फिलहाल भारत में लगातार चाइनीज कंपनीज का बहिष्कार किया जा रहा है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि एवरेज वीवो IPL को हर साल 450 करोड़ रुपए देता है लेकिन अब यहां पर BCCI पर लगातार IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर बदलने के लिए लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। तो ऐसे में BCCI की इसी वीक में IPL काउंटिंग काउंसिल के साथ एक मीटिंग होने वाली है जहां पर IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सर पर हमें एक बहुत ही बड़ा डिसीजन देखने को मिलने वाला है। 80% चांसेस यही है कि वीवो को IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सर के पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारी भारतीय कंपनी भी ऐसी है जो IPL 2020 का नया टाइटल स्पॉन्सर बन सकती है। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है जियो जो 400 करोड़ रुपए BCCI को देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके बाद दूसरी कंपनी आती है पेप्सी जो पहले भी 2 साल के लिए IPL का टाइटल स्पॉन्सर रह चुकी है। तीसरे नंबर पर आती है टाटा, चौथे नंबर पर आती है पतंजलि। तो ये 4 कंपनियां हैं जो IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर बन सकती है। वीवो को यहां पर हटाने के लिए पूरी तरह से कोशिशें की जा रही है। भारत सरकार द्वारा भी BCCI पर लगातार IPL से चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने के लिए पूरी तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है और ऐसे में पहले ही किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स ने चाइनीज कंपनी से पूरी तरह से अपना नाता तोड़ दिया है और वो किसी भी तरह से अपनी जर्सी पर किसी भी चाइनीज कंपनी को प्रमोट नहीं करने वाले हैं। उन्होंने पेटीएम, स्विगी जैसी एप्स को बिल्कुल पहले ही साफ साफ इनकार कर दिया है। तो ऐसे में यहां पर जो फाइनल रिपोर्ट है वो ये है कि IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सर से वीवो को 80% चांसेस है कि हटाया जाएगा और उसके बाद जियो को ही डेफिनेटली IPL 2020 का नया टाइटल स्पॉन्सर मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस और कौन होगा IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।